तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए एयर बबल्स फ्लाइट कब चालू होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए एयर बबल्स फ्लाइट चालू है, क्या सच में चालू है या फिर अभी नहीं चालू है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपको तसल्ली के लिए बता दूं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट चालू है, एयर बबल्स फ्लाइट। चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि कहाँ पर लिखा है एयर बबल्स फ्लाइट इंडिया से सऊदी के लिए और इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एयर इंडिया ने जो है वंदे भारत मिशन 8 में फ़्लाइट का शेड्यूल दिखा रहा है और ये एयर बबल्स फ्लाइट के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए ये मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्विटर हैंडल पे। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर डिटेल्स फॉर चार्ट फॉर फ्लाइट वंदे भारत मिशन प्लीज क्लिक हियर। यहाँ पे एक लिंक दिया है, कह रहा है कि वंदे भारत मिशन 8 में फ्लाइट ऐड किया गया है। तो कौन सा फ्लाइट ऐड किया है, देखिए यहाँ पे जब जाते हैं, यहाँ पे जब आप भी जाओगे तो देख सकते हैं, आप भी जा करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे लिखा गया कि फॉर एविएशन फ्लाइट शेड्यूल फास्ट 8, ठीक है, 1 जनवरी तो 28 मार्च तक फ्लाइट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको चेक कर लीजिए एयर बबल्स फ्लाइट के थ्रू फ्लाइट है। देखिए यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे 1 जनवरी से 28 मार्च तक और यहाँ पे लिखा गया फॉर एयर बबल्स फ्लाइट प्लीज रिफर अदर फील अपलोड वंडर फास्ट 8, ठीक है। यहाँ पे एयर बबल्स फ्लाइट दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको देख सकते हैं लिखा गया है प्लीज़ रिफर अदर द अपलोड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सऊदी अरब का बता देता हूँ कि कहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। तो जब हम दोस्तों यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि ये कब अपलोड किया गया है, कहाँ से कहाँ फ्लाइट जाने वाला, मतलब और भी कंट्री के लिए फ़्लाइट बताई जा रही होगी, जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आप बाद में ये ना कमेंट करें कि भाई ये फेक है। आप भाई फेक बोलने से आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दोस्तों नीचे में जब आते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है सऊदी अरबिया, ठीक है, क्योंकि भाई पिछले वीडियो में बताया था तो सिर्फ स्टिकर में एक इसका स्क्रीनशॉट मार के बताया था, बहुत लोग बोले कि भाई फेक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई से जद्दा के लिए फ़्लाइट बताया जा रहा है मार्च में है, जनवरी में है, फिर दिल्ली से दमाम के लिए फ़्लाइट बताया जा रहा है और मुंबई से फिर दिल्ली के लिए फ़्लाइट बताया जा रहा है, दिल्ली से रियाद के लिए, ठीक है, रियाद के लिए बताया जा रहा है कितना बजे रहने वाला है, ठीक है, ये सब भी यहाँ पे शो कर रहा है ये एयर बबल्स फ्लाइट के थ्रू। यहाँ पे बात आ जाता है कि भाई इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक भाई ने एयर इंडिया एक्सप्रेस से सवाल किया था इस फ्लाइट के बारे में, ये सब शेड्यूल दिखा रहा है इसके बारे में। यहाँ पे पूछा था कि मैंने आपकी नवीनतम सूची में भारत से सऊदी अरब के लिए निकासी उड़ान देखी, क्या यह चलेगी, क्या सामान्य यात्री भारत से सऊदी अरब जाने के लिए निकास उड़ान का उपाय कर सकते हैं क्या। ये भाई 18 जनवरी को भाई ने 11:15 पर पूछा था कि मैंने आपका शेड्यूल जो आप दिखा रहे हैं इंडिया से सऊदी अरब के लिए, तो उसमें मैं देखा हूँ, तो क्या अमान्य पब्लिक क्या जा सकते हैं, हम लोग के जैसे वर्कर लोग जा सकते हैं क्या ये फ़्लाइट को बुकिंग करके। तो दोस्तों ये फ़्लाइट का अगर आप टिकट बुकिंग करोगे तो टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है, लेकिन टिकट बुकिंग हो रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसे हो रहा है एयर इंडिया टिकट बुकिंग, ठीक है, वो भी मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पे एयर इंडिया ने उसको क्या जवाब दिया कि वो जो फ़्लाइट मैं आपको बताया हूँ कि इंडिया से सऊदी अरब के जो एयर बबल्स फ़्लाइट के बारे में दिखा रहा है शेड्यूल, तो वो भाई ने सवाल किया था कि मैं इसका टिकट मतलब कैसे आना है। तो देखिए एयर इंडिया ने कहा है प्रिय महोदय, जैसे ही मतलब कि ये कह रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की अभी फ़्लाइट नहीं है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट 31 मार्च तक सस्पेंड है। तो भाई ये फ़्लाइट कौन लोग जा सकते हैं इसमें, तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ का गवर्नमेंट ने 4-5 महीने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं भाई वो लोग ही आ रहे हैं फ़्लाइट में, ठीक है, आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि भाई बहुत लोग परेशान है कि भाई ये तो फ़्लाइट दिखा रहा है लेकिन इसको इसमें जाएंगे कैसे। मैं आपको बता देता हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट कहाँ से और कैसे बुकिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कम से कम 15-20 दिन पहले ये न्यूज आया था, तो इसमें क्या लिखा गया था वो भी मैं उस वीडियो में बताया था। यहाँ पे क्या बताया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट मतलब कि 1700 फ्लाइट एयर इंडिया जनवरी में शुरू होने वाला है 7 कंट्री के लिए, जो कि 7 कंट्री का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहरेन जाने वाला है, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, सिंगापुर एंड यूएई, ठीक है, सऊदी अरबिया का भी नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है डियर एयरलाइंस हैज अनाउंस द शेड्यूल फॉर सऊदी अरबिया बट सिंस द कंट्री हैज़ नॉट येट अलाउ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया वी हैव नॉट
पब्लिक द शेड्यूल एंड फ्लाइट डिटेल्स। यार यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि जो फ्लाइट जो आप देख रहे हैं बुकिंग जो करेंगे इंडिया से सऊदी अरब के लिए, लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट जो है बैन लगाया है, अलाउ नहीं किया है, लेकिन इसका जो है टिकट बुकिंग हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भाई मैं टिकट भी बुकिंग करके उस वीडियो में बताया था, बहुत लोग कह रहे हैं विश्वास ही नहीं हो रहे थे। तो देखिए यहाँ पे आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस का सच में टिकट बुकिंग हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो कि मुंबई आएंगे, मतलब 6:50 पे दिल्ली से खुलेगा और 9 मुंबई आएगा। इसके बाद ये फ्लाइट आपको फिर मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई लेके जाएंगे, ठीक है। ये फ्लाइट भाई दुबई लेके जाएगा, जो कि फिर दुबई से आपको रियाद लेके आएंगे, ठीक है ना, दुबई से रियाद लेके आएंगे। तो ये फ्लाइट कौन लोग आ सकते हैं, समझ गए आप, नहीं समझे फिर भी नहीं समझे, तो इसका टिकट का रेट इतना चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना चल रहा है टोटल, इतना आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है दुबई, फिर भाई आप बहुत लोग भाई स्किप कर देते हैं ना, तो उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये फ्लाइट है आपको इंडिया से एयर इंडिया एक्सप्रेस ले करके डायरेक्ट आपका पैसा ले लेगा वहीं पर, मतलब जब आप टिकट बुकिंग करोगे इंडिया से तो आपका पैसा ले लेगा वहीं पर, आपको दुबई ले करके जाएंगे, दुबई से आपको सऊदी एयरलाइंस का टिकट या जैसे भी करें वहाँ से आपको सऊदी एयरलाइंस लेकर आएगा सऊदी अरब किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए कि जो 1700 फ्लाइट जो जनवरी में एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू करने वाला है बुकिंग, कौन कौन सा कंट्री के लिए शुरू करने वाला है और इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो भैया दुबई जो लोग जाएंगे तो आप लोग को बताई है कि जिसके पास एकामा है और वीज़ा वैलिड है वो लोग ही जा सकते हैं इस फ्लाइट का टिकट बुकिंग करके। लेकिन भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें झमेला में पड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं, जाते हैं अपना कोई ट्रेवल एजेंट अच्छा पकड़ते हैं मुंबई दिल्ली में और इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं, मतलब किसी दुबई जा करके आ रहे हैं तो आराम से आ रहे हैं भाई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोग भाई मन में सवाल है कि भाई मेरा नया वीज़ा है और मैं कब तक आ पाऊँगा। तो दोस्तों आज डेली बाय डेली बताता हूँ आप लोग को, मान लेते कल कुछ और अपडेट आ जाए, लेकिन अभी का अपडेट दोस्तों जवाजात का यहाँ का जो गवर्नमेंट का जो न्यूज़ आता है तो यही आ रहा है कि अगर आपको इंडिया से सऊदी अरब आना है तो अभी आप नहीं आ सकते हैं, जिसके पास एकामा वैलिड है, मतलब यहाँ का सऊदी अरब का आईडी अगर है वो लोग ही दुबई या ओमान कोई सा भी ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप जा सकते हैं वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में सऊदी एयरलाइंस आप लोग को पता है कि शुरू होने वाला है, ठीक है ना, शुरू होने वाला है 31 मार्च से शुरू हो जाएगा न्यूज आया है। लेकिन अगर शुरू हो जाता है मार्च में तो नया आदमी आएंगे या फिर जो छुट्टी गए वो लोग, देखिए छुट्टी गए हैं तो आधा से ज़्यादा आदमी लोग आ चुके हैं सऊदी अरब, लेकिन अभी कौन लोग फंसे हुए हैं, जो नया लोग वीज़ा निकाले हुए हैं वो फंसे हुए हैं और जो अभी आना चाहते हैं नया वीज़ा लेना चाहते हैं, भाई यहाँ पर वीज़ा की कमी नहीं है। अगर आप बम्बई दिल्ली ऑफिस में जाओगे ना तो वीज़ा की कमी नहीं है, सिर्फ आपके पास लाइसेंस जो भी है, जो भी काम में आप आना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आप हिम्मत होना चाहिए कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे। बहुत लोग भाई वहीं पे डर जाते हैं, बोलते हैं भैया हमको जाना ही नहीं, तो ठीक है दोस्तों आप समझ गए कि जनवरी में फ्लाइट जो चालू होने वाला है, चालू जो चल रहा है फ्लाइट 1700 कौन सा कंट्री जाने वाला है और अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आएंगे तो कितना टोटल खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बात बोलूँ, बहुत लोग भाई कमेंट करें कौन सा ट्रैवल एजेंट अच्छा है, तो भाई मैं ये नहीं बता सकता कौन सा ट्रैवल एजेंट अच्छा है, लेकिन मैं यूट्यूब पर देखा हूँ, जो कि इसमें ये यूट्यूब चैनल पे आप भी जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल का नाम है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर हर एक चीज़ आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे संपर्क करिए, कितने में भेज रहा है पूरा डिटेल्स जानकारी आप लीजिए, लेकिन आप ये लोग मत बोलिएगा भैया इससे इसको पैसा मिला, ऐसा दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, आपको जाना है आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको दूसरी जगह तीसरी जगह घूमना ना पड़े, आपको जल्द से जल्द काम हो जाए, ठीक है। तो बहुत लोगों को जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो आपको जाइए विजिट करिए और ये ऑफिस से संपर्क करिए कितने में भेज रहा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑफिस है कहाँ पे, अभी तक मुझसे बात भी नहीं हुआ है, तो ये ऑफिस भाई जोगेश्वर मुंबई में है, आप उनसे बात करिए कितने में भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, क्या तरीका है, क्या नियम है, कितने दिन में आपका काम होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।